नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक गाना इन दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उसका अभी तक अधिकृत रूप से लॉन्च किया हुआ कैंपेन सॉन्ग नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो खनिज मंत्री है उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। उस वीडियो में जो शब्द है वो है मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। अब ये जो लाइन दी गई है मोदी के मन में एमपी, दरअसल हाल ही में जब मध्य प्रदेश आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब उन्होंने कहा था कि उनके मन में एमपी बसता है। इसी को आधार बनाते हुए ये गाना बना है जिसे अभी तक भाजपा के किसी अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं किया गया, लेकिन भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बिजेन प्रताप सिंह ने यह वीडियो ट्वीट किया। उसके बाद कई सवाल उठने लगे कि एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है तो शिवराज सिंह चौहान कहां है। मध्य प्रदेश में 18 सालों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस पूरे गाने में ये जो गाना खनिज मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें कहीं पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बना लिया और ये कहा कि जिस तरीके से इस गाने से गायब किया गया है शिवराज सिंह चौहान को, वो बता रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। एक बार खुद आप वो गाना देखिए जो खनिज मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। तो आपने ये गाना सुना, ये गाना देखा भी, इसमें किस तरीके से बताया गया है कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है, यानी मध्य प्रदेश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से चाहती है, ये उसमें बताया गया है। अब आपको दूसरी एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है भाजपा कार्यालय की। भाजपा कार्यालय में दरअसल मीडिया विभाग की एक बैठक चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बुलाई। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश में भाजपा ने चुनाव प्रभारी बनाया है, साथ ही में अश्विनी वैष्णव जो सह प्रभारी है वो भी मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक बनाए गए हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे और भाजपा के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक में उन्हें ये बताया गया है कि आने वाले महीनों में चुनाव तक किस कैंपेन पे उन्हें सबसे ज्यादा फोकस रखना है, कैसे विपक्षी दल पे हमलावर रहना है। इसमें ये बात बताई गई है कि कांग्रेस के 20 लाख करोड़ के घोटाले पर जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, ये भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट को जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया पैनलिस्ट को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी कांग्रेस घूमती है, और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस में परिवारवाद गांधी परिवार से शुरू होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे सांसद बन जाते हैं तो दिग्विजय सिंह के बेटे मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। ये तमाम बातें भी इस बैठक में कही गई है चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में। इस बैठक के बाद वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बात करते हुए, एक बार वो भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्माननीय संयोजक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, लगातार हमारी बैठकें चुनाव की दृष्टि से चल रही हैं और इन बैठकों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को लेकर बहुत गहराई के साथ माइक्रो मैनेजमेंट पर व्यापक चर्चा इन बैठकों में हुई है और ओवरऑल चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से सारी बातों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम गहराई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं जरूर आज मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग आज जिन फर्जी गारंटियों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की कोई गारंटी अगर मध्य प्रदेश के अंदर है, इस देश के अंदर है, तो 20 लाख करोड़ के घोटाले यही कांग्रेस की गारंटी है। तो आपने देखा गाने में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं, लेकिन जब मीडिया पैनलिस्ट के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक में भी फोकस रखने के लिए कहा गया है कांग्रेस के घोटालों पर और कांग्रेस के परिवारवाद पर। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, वो राज्य से बाहर
दिल्ली के नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को बनाया गया, दूसरी तरफ चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाया गया, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मध्यप्रदेश में चुनाव की पूरी बागडोर भोपाल से ज्यादा दिल्ली के हाथ में रहने वाली है, और अब तक के जिस तरीके के रणनीतिक माहौल को देखे मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में, तो उसे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव मध्यप्रदेश में पूरी तरीके से दिल्ली से ही कंट्रोल होने वाला है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।